हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं किड्स के लिए लाई हूँ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसका नाम है नमकीन सेवई। इसके लिए हमें चाहिए वर्मिसली 1 कप, चॉप पोटैटो 1 कप, 1 ग्रीन चिली, देसी घी 1 टेबल स्पून, मैगी मसाला 1 टेबल स्पून, अजवाइन या कैरम सीड 1/2 टेबल स्पून, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, इस कढ़ाई को गरम कर लेंगे। कढ़ाई गरम होने के बाद उसमें हम डालेंगे देसी घी। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है, जिसे आप मॉर्निंग में अपने किड्स के लिए या अपने हस्बैंड के लिए जल्दी से बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हमारे घर में ही सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। तो अब ये देखिए घी मेल्ट हो रहा है। घी मेल्ट होने के बाद इसमें हम डालेंगे अजवाइन। जैसे ही अजवाइन चटकने लगेगी उसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च हम कम या ज़्यादा अपने बच्चों के टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। हरी मिर्च होने के बाद हम इसमें डालेंगे अपने चॉप पोटैटोज। और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को हम धीमी आंच पे कर देंगे और पोटैटो को मिक्स करके उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, जिससे कि वो थोड़ा सा गल जाए। नमक डाल के उसे हम लिड से कवर कर देंगे। दो मिनट बाद हम लिड हटाकर चेक करेंगे कि पोटैटो हमारे गल गए हैं कि नहीं। अगर हमारे पोटैटोज गल गए हैं, ये देखिए हम इसे चेक कर रहे हैं, ये हमारे पोटैटोज अब गल चुके हैं। अब हम इस पे डालेंगे वर्मिसली। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें तुरंत ही हम जितनी वर्मिसली थी उतना ही वाटर हम इसमें डालेंगे। जैसे कि हमने 1 कप वर्मिसली लिया था, तो 1 कप वाटर इसमें हम ऐड करेंगे। और उसके साथ ही हम इसमें नमक और मैगी मसाला मिलाएंगे। मैगी मसाला डालने से इसका टेस्ट बिल्कुल एकदम मैगी की तरह हो जाता है। तो बच्चों को तो फ़र्क ही नहीं समझ में आएगा कि वो मैगी खा रहे हैं या नमकीन सेवई। इसलिए उन्हें तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। खासकर मेरे बेटे को तो ये बहुत पसंद है, उसे मैं हर वीक टिफ़िन में बना के देती हूँ। अब बस इसे 1 मिनट तक और कवर करके रखना है, जिससे कि वर्मिसली हमारी फूल जाए। चलिए चेक करते हैं वर्मिसली हमारी रेडी हो गई है या नहीं। वाओ, देखने में तो ये बहुत ही यम्मी लग रही है। ये हमारी वर्मिसली अब रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसे टिफ़िन के लिए पैक कर सकते हैं। आप जिस किसी को भी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने बच्चों के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी है। नूडल्स मैगी से ज़्यादा हेल्दी है। उन्हें खिलाने से अच्छा है कि आप घर पे ही ये बनाकर खिलाएं। और इसमें हम उनके मनपसंद के अनुसार सब्जियाँ भी ऐड कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।